नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज। मैं आपके साथ हूं अर्चित। जैसा कि मेट्रो सिटी बनने का और तेजी कदम बढ़ा रहा कानपुर महानगर कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहां आज भी भूत प्रेत डायन चुड़ैल आत्मा खजाना जैसी चर्चाओं के बाजार हमेशा गर्म रहते हैं। हम आपको बता दें कि कानपुर के ऐसे ही 5 अनसुलझे रहस्य और जगहों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जी हाँ, पहले नंबर पर आता है अनवरगंज का बंगला नंबर 128, जहाँ जाने से बच्चे डरते हैं। मिली जानकारी के आधार पर आपको बता दें कि 3 साल के अंदर स्कूल के बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई थी कि टीचरों का ट्रांसफर करना पड़ गया था। नौबत तो ये है कि अब दिनों में उंगलियों में गिनने की वाली संख्या हो गई थी बच्चों की। रात होते ही यहाँ सन्नाटा पसर जाता था। स्कूल की टीचर रजनी गुप्ता का कहना था कि कुछ साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की पत्नी ने क्लासरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद स्कूल के कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, साथ ही स्कूल के अंदर ही एक छात्र की मौत भी हो गई थी। फिर ऐसे अफवाहें फैली कि महिला की आत्मा स्कूल के कमरे में घूमती है, और इसी के चलते अभिभावक ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। पीयून रमेश का कहना था कि कुछ बच्चों ने किसी औरत को कुर्सी पर बैठे हुए भी देखा था। दूसरे नंबर पर आता है बहुत चर्चित गंगा बैराज, जहां बीते वर्ष गंगा बैराज में एक डायन का वीडियो बनाने का दावा सोशल मीडिया पर किया गया था। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस वीडियो को देखा था और शेयर भी किया था। वीडियो बनाने वाले ने लिखा था कि गंगा बैराज में रात 2 बजते ही आत्माओं का जमवाड़ा लग जाता है। वहां रात में कोई भी जाता है तो डर के ही वापस आता है। आसपास रहने वालों ने भी यह अनुभव किया है कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान करती है। तीसरे नंबर पर आता है सिविल लाइंस का ग्रेवयार्ड, जो कि कानपुर के पौस इलाके सिविल लाइंस में बने ग्रेवयार्ड को आत्माओं का बसेरा कहा जाता है। लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि रात में यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को भूत दिखता है। इसी वजह से यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। सिविल लाइंस में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने एक अंग्रेज की आत्मा को देर रात 2 बजे सड़क पर घूमते हुए देखा है। अंग्रेज सफेद रंग की पोशाक पहने हुए रहता है, टोकने पर वह गायब हो जाता है। चौथे नंबर पर आता है खेरेश्वर धाम मंदिर, जो कि कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर में गंगा नदी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। महाभारत काल से संबंधित इस मंदिर के शिवलिंग पर केवल गंगा जल ही चढ़ता है। मानता है कि मंदिर को गुरु द्रोणाचार्य जी द्वारा बनवाया गया था और यहीं उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी हुआ था। कहते हैं कि मंदिर में रोजाना रात्रि में 12 से 1 बजे के बीच द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। मंदिर के पुजारी गोस्वामी के अनुसार रात्रि में मंदिर बंद होने के बाद जब सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते हैं तो यहाँ स्थिति मुख्य शिवलिंग पर जो सफेद फूल रखे जाते हैं उनमें से एक फूल का रंग बदल कर लाल हो जाता है। पांचवें नंबर पर आता है खजाना, जो कि रहस्यों में दफन है। वैसे तो कानपुर में कई जगह पर खजाना मिलने की खबर सामने आई है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आज भी खुदाई के दौरान पुराने जमाने के सिक्के यहां मिला करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जगह में औराहा, बिनौर, सचिंडी, सखरेज, रावतपुर, काकादेव, पुखराया, मूसानगर, शिवराजपुर, सचिंडी, जाजमऊ टीला, बिठूर, पेशो महल, रमईपुर जैसे स्थानों पर भी खजाना होने की बात इतिहासों में जानकारों ने कही है। इन इलाकों में रहने वाले पुराने लोग भी यही बात कहते हैं। और तो और क्राइस्टर कॉलेज के हिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर एस पी सिंह का कहना था कि कानपुर ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ खजाना दबे होने की बात तो आम है। बिठूर में नाना साहब के महल में एक कुआं था। जब ब्रिटिश हुकूमत ने बिठूर पर कब्जा किया तो किले से करीब 30 लाख रुपए कैश और 70 लाख रुपए की ज्वेलरी मिली थी। लोगों का दावा है कि असली खजाना तो अभी भी किले में ही दबा हुआ है। हाल ही में नानामऊ गांव निवासी तिलक सिंह अपने घर के सामने कमरा बनवाने के लिए नींव खोद रहे थे, तभी कुछ सिक्के निकल आए। प्रधान ने बताया कि सिक्कों पर फारसी में कुछ लिखा है। सराफ ने जांच करके तांबे की धातु के सिक्के बताए हैं। जानकारों ने बताया कि सिक्के सन 1270 के हैं और गुलाम वंश का शासन दिखाया गया है। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। कई सिक्के ग्रामीण लेकर अपने घर चले गए। और तो और उन्नाव के डोंडियाखेड़ा स्थित
राजा राम बकत सिंह के किले में खजाने की चर्चा बादशाही नाके में थी और राधन और बदरका में खजाना बताया गया है। सूत्रों के अनुसार भीतर गांव निविया खेड़ा रार और भरतपुर में पहले ही हजारों सोने के सिक्के मिल चुके हैं।